राजस्थान के डिप्टी सीएम मेरे साथ हैं। सर, आप यहाँ आए इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये देखो, हमारे हिंदुत्व और पुराने जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के महाराज, उनके प्रति पाठोत्सव मनाया जा रहा है। उस संस्कृति को एक थिएटर के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो एक अच्छी परंपरा नहीं कह सकते इसको, अच्छे संस्कार जो हम लोग आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और उससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आपने तिलक लगा रखा है, सनातन का प्रतीक है, सनातन की बात होती है, चुनाव देश में चल रहा है, आप क्या मैसेज देंगे? ये तो देखो, हमारा सनातन का तिलक लगाना और ये हमारा संस्कार है निश्चित रूप से। तिलक लगाना एक हिंदुत्व की निशानी है। तो क्या भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ रही है, इस चुनाव में लड़ रही है? देखो, ये तो हमारी संस्कार है, संस्कृति है, लेकिन चुनाव का मुद्दा अलग है। चुनाव विकास भी लड़ा जाता है, चुनाव राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण पे लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस पे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विजन और उनके सोच पे चल रहे हैं। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब, सब जगह देख रहे हैं आपकी भारी डिमांड आ रही है। हरियाणा में तो स्टार प्रचारक भी हैं भाजपा के, कैसा माहौल देखते हैं आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है। जिस तरह से 10 साल में उन्होंने जो कार्यकाल दिया है, इसे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है विश्व में, और उनकी सोच और उनका विजन है विकसित भारत बनाने, और हमारे पीछे जो हमारी समाज के अंतिम कड़ी में है उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर एक विकसित भारत का सपना संजोया है। निश्चित रूप से ये विजन है, इस विजन के साथ काम। पंजाब देखें हम, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ स्थिति कैसी, क्योंकि अभी आप गए वहाँ, एक कैंडिडेट का फार्म भी भराया, कैसा लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ, आम जन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भावना है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना संजोने के लिए सब आतुर है। निश्चित रूप से आम आवाम और पूरे वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत का विकास देखना चाहते हैं। ये थे मेरे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो बता रहे थे कि बिल्कुल भारत की जनता मोदी के नाम पे फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन